और भाई मैंने ना इसको अपनी BS6 को BS4 में कन्वर्ट करवा दिया। जीरो, ठीक है। ठीक है, 58। चलना है, सीट खाली करूं, बैठोगे? चलो। सो हेलो जी, की हाल चाल सारे नु, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। तो आज जी अपनी ड्रीम राइड स्टार्ट हो चुकी है। कहाँ के लिए? एज यूजुअल लद्दाख के लिए। बहुत दिनों से वेट था इस ड्रीम राइड का, शायद मुझे भी और आप लोगों को भी। और टाइम हो चुका है भाई अभी 9:45, बस 10-15 मिनट में धर्मेंद्र भी आ रहे हैं, निकल रहे हैं फिर जल्दी से। अब दो तीन काम है मेरे को। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरे को व्लॉग स्टार्ट करना था, राइडिंग गियर्स पहनने हैं और अपनी भूसा बेबी को अंदर रूम में करके जाऊंगा, क्योंकि बाहर गंदी हो जाएगी। इसलिए अभी फिर जल्दी से राइडिंग गियर पहन के फैमिली से मिलके और भूसा भी अंदर करनी है। तो सोचा पहले व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, देन उसके बाद ही सारा कुछ स्टार्ट काम करते हैं। एनीवेज भाई लोगों, ये ड्रीम राइड के लिए बहुत काफ़ी दिनों से मुझे इंतज़ार था और ये राइड थोड़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि इसमें लद्दाख के साथ बहुत कुछ कवर होने वाला है। और आज की जो राइड है भाई, हम जो सोच के जा रहे हैं यहाँ से सीधा चंडीगढ़ के लिए। पहले मुझे दिल्ली थोड़ा सा काम है, दिल्ली के बाद भाई सीधा निकलूँगा मैं चंडीगढ़ के लिए। जहाँ भी रुकेंगे आपको अपडेट करूँगा मैं। एनीवेज भाई लोगों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं करता हूँ भूसा को अंदर और उसके बाद मेरे को राइडिंग गियर्स पहनने हैं, फिर निकलते टाइमली, क्योंकि धर्मेंद्र भी बस 10-5 मिनट में आने वाले और मेरे पास टाइम बहुत कम है। 10:15 बजे तक यहाँ से निकल जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली और सुबह 7 बजे तक हम चंडीगढ़ पहुँच जाएंगे। तो चलो पहला काम ये करते हैं, भूसा को अंदर लेके आते हैं। भूसा बेबी कर दी अपन ने अंदर, क्योंकि बाहर है ना यार गंदगी होती है, मिट्टी वगैरह आती है, तो इससे बेटर है कि अपना अंदर रूम में सेफ खड़ी रहेगी। सो फाइनली अभी निकलने का टाइम हो चुका है, धर्मेंद्र भी आ चुके हैं पीछे, ये आयुष थोड़ा एयर पंप लेके आया है, मेरी मेरे को बाइक में हवा चेक करनी है, और धर्मेंद्र भी और उनके पीछे लाडो। एंड बस ऊपर 5 मिनट घर वालों से मिलना है, राइडिंग गियर अप है बिल्कुल कम्प्लीट, हेलमेट उठाना है, पहनना है और बस निकलना है। तो जल्दी से पहले एयर चेक कर लेता हूँ, बाइक भी वार्म अप हो जाएगी इतने में, फिर निकलना है सीधा लद्दाख के लिए। तो आज अपना स्टे होगा सीधा चंडीगढ़। तो चलो जी मिलते हैं आपको सीधा गोप्रो पर। सो नाउ इट्स टाइम टू लीव और अभी हम मेरे घर पर, ये है धर्मेंद्र भैया और मैं और धर्मेंद्र भैया निकल रहे हैं आज सीधा चंडीगढ़ के लिए। तो चलो जी बैठते हैं अपनी बाइक पर और निकलते हैं जल्दी से अपनी राइड पर। ठीक है, तो ये एंगल आपके लिए परफेक्ट है और गोप्रो नया वाला जो है हमने यूज़ कर रहे हैं, जिसका नाम है गोप्रो 10 ब्लैक। एनीवेज ठीक है बेटा जशन, ध्यान रखियो, अब करते हैं अपन अपनी जर्नी स्टार्ट। तो चलो जी, घर को कर दिया है बाय बाय, लाइट कर ली जाए ऑन, बाबा जी मेहर करना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना, जिस अच्छे तरीके से जा रहे हैं उसी तरीके से हम अच्छे से वापस आएँ। घर से जब चल रहे थे तो भाई बाइक लगी हुई थी रिजर्व में, मैंने ध्यान दिया नहीं, बट स्टिल अभी आने वाला है मथुरा, यहाँ से करीबन है 10-15 किलोमीटर मोस्ट प्रोबेबली। और तो सोच रहा हूँ मथुरा पहुँच के ही अपन टैंक फुल कराएंगे और भैया की भी रिजर्व में लगी हुई है बाइक, तो अपन मथुरा पहुँच के ही रिफिल करवा लेंगे, टैंक फुल करवा लेंगे बाइक्स का। और शायद से भैया से पूछनी पड़ेगी जारी कैन अभी भरवानी है या बाद में भरवानी है, अभी तो कोई फ़ायदा नहीं है भरवाने का, बट फिर भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई अभी आ चुके हैं अपन मकेरा, मकेरा विलेज है यहाँ पर एक, और यहाँ से मथुरा रह गया है भाई अभी करीबन 15-20 किलोमीटर। तो जल्दी से चलते हैं, जल्दी तो क्या, खैर 70-80 चलेंगे रात में। मैंने और धर्मेंद्र भी ने दोनों ने सेना 50S ले लिया है, तो बहुत फ़ायदा मिल रहा है उससे, जिससे हम इंटरकोमिंग कर पा रहे हैं, टाइम पास हो रहा है अच्छे से, और आगे तो खैर और भी ज़्यादा टाइम पास करेंगे। और भाई मैंने ना इसको अपनी BS6 को BS4 में कन्वर्ट करवा दिया है, और इस कन्वर्ट करवाने के पीछे एक आशु का हाथ है, आशु फ्रॉम खुशहाली मोटर्स भरतपुर, एंड अपना दोस्त भी है। तो भाई BS4 होने के बाद आशु अगर ये व्लॉग देख रहा है तो लिटरली थोड़ा बहुत नहीं, बहुत फ़र्क पड़ा है इसमें,
पहले जब मैं बाइक लोड करके चलाता था तो बिल्कुल ऐसे चलती थी दबी दबी, और अभी मैं ना भाई मतलब बहुत अच्छा फील आ रहा है। मतलब बी एस फोर तो नहीं कह सकते बट स्टिल बी एस फोर और बी एस सिक्स के बीच का एक बी एस फाइव मैं नया क्रिएट कर देता हूँ। सच में बहुत अच्छा, अभी तक तो पावर अच्छी दे रही है, टॉक अच्छा आ रहा है, मतलब पिकअप वगैरह में कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है, और 80 से ऊपर भाई मैं अभी गया नहीं हूँ, और जो साउंड आ रहा है वो बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि साथ में मैंने पावर एज का अपना एग्जॉस्ट लगाया हुआ है और मैंने बैंड पाइप जो है वो बी एस फोर का लगा दिया है। तो इसका व्लॉग नहीं बना पाया, आई एम रियली सो सॉरी गाइज, बट स्टिल आशु ये काम बहुत सक्सेस हुआ, अच्छा लगा भाई। और बाकी पहाड़ों पे जाने के बाद ही पता लगेगा कि इसमें और कितनी पावर आई, क्योंकि अभी तो देखो इसमें जितना कार्बन जमता जाएगा उतना ज़्यादा ये पावर अच्छी करेगा, इंक्रीज करेगा। तो स्टिल वेट करते हैं अभी थोड़ा कार्बन जमने तक, मतलब करीबन 600-700 किलोमीटर चल जाएगी, देन उसके बाद ही पता लग पाएगा प्रॉपर। एनीवेज भाई लोगों, अभी आने वाला है मथुरा, KN इंटरनेशनल स्कूल हमने कर लिया है पार, और मथुरा जाके टैंक करवाना है रिफ्यूल, एंड देन उसके बाद सीधा रुकेंगे हम पप्पू ढाबा, असली पप्पू ढाबा। सो अभी पहुंच चुके हैं भाई पेट्रोल पंप पर, और अपने को डलवाना है पेट्रोल ज़ीरो, ठीक है। ठीक है 58 कैमरा सब रिकॉर्ड हो रहा है, चल लेगा गेल में, गेल में अब तो रिकॉर्ड सब रिकॉर्ड होता है। हम राइड पे जा रहे हैं अभी, राइड पर लद्दाख सुना है, वही जा रहे हैं अभी लद्दाख, चलना है। सीट खाली करूं बैठोगे? यहाँ पे कौन रहेगा, चलो अब यहाँ पे भी तो कोई रहना चाहिए। अरे बैठो, घुमा के लाते हैं आपको अच्छे से, वो कोई आता नहीं। चालू, हाँ अब जीरो से हुई है, पहले 58.57 नहीं, स्टार्टिंग पहले इनकी 58.57 से हुई थी, अब अंदर से जीरो करके आए। तो चलो जी, अपना है 1150 रुपये 12 लीटर, मतलब टैंक में अभी अगर देखा जाए तो 2 लीटर के आसपास था। सो फाइनली भाई पीछे में भी गया है असली पप्पू ढाबा, तो आगे से बस अपन जा रहे हैं यू टर्न लेने के लिए, और ये आ चुका है यू टर्न, और यहाँ से यू टर्न लेके वापस जाएंगे करीबन 200 मीटर पीछे ही है। तो ये रहा अपना असली पप्पू ढाबा। ओ वाओ, यहाँ आ चुका है भाई एक ईवी स्मार्ट का चार्जिंग पॉइंट, ये अच्छा लगा मुझे यहाँ पर देखने के बाद। सो फाइनली अभी पहुंच चुके हैं अपन असली पप्पू ढाबा पर, थोड़ा बहुत शोर आ रहा हुआ तो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर करना, और राइड अभी तक काफ़ी अच्छी चल रही है, वी आर ऑन 90-80 अच्छे से स्पीड कवर कर रहे हैं, इससे ज़्यादा चल नहीं सकती क्योंकि अपनी हिमालयंस में बहुत ज़्यादा लोड है, और मैंने अभी पेट्रोल डलवाया था तो मेरा कैमरा ऑफ बंद हो गया था, और मेरा हल्का सा पैर बस डिसबैलेंस हुआ, और इतने में तो बाइक नीचे, फिर इतने में पेट्रोल पंप पे सर्वेंट भी था एक, और वहाँ पे एक दो बंदे भी थे, फिर वो जल्दी से भाग भाग के आए और मेरी बाइक खड़ी करवाई। चलो कोई बात नहीं, बट सेफली हम ठीक हैं। एनीवेज भाई लोगों, अभी अपन ने ऑर्डर किया है 2 आलू प्याज पराठा, 1 गोभी पराठा, और साथ में कर्ड तो नहीं मंगवाई, पंचरत्न दाल ऑर्डर करी है, एंड देन आफ्टर उसके बाद पियेंगे 1-1 कुल्लड़ चाय, फिर निकलेंगे अपन दिल्ली के लिए। सो नाउ इट्स टाइम टू लीव असली पप्पू ढाबा, रात के बज चुके हैं 1:30, और आई डोंट थिंक कि हम सुबह 7-8 बजे तक चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे, क्योंकि धर्मेंद्र भैया की स्पीड बहुत स्लो है, और मुझे अभी दिल्ली में अपने कज़न से काम है, कुछ मैंने सामान मंगवाया है तो वो उससे पिक करना है। तो अभी हम लोग हो चुके हैं फरीदाबाद में एंटर, और ये जो चल रहा है भाई फरीदाबाद है, और यहाँ से बस थोड़ा सा आगे अभी आएगा बदरपुर बॉर्डर, हरियाणा से अपन दिल्ली में एंटर हो जाएंगे आफ्टर टोल टैक्स, एंड देन जो मेरे कज़न का घर है वो वहाँ से करीबन आधा पौन घंटा और लगेगा टोल टैक्स से, तो उसको वहीं पास में ही पहुँच के कॉल कर दूँगा, शायद मुझे ही उसके घर जाना पड़ेगा क्योंकि वो तो बेचारा सो गया होगा अभी तक। और भाई राइड बहुत अच्छी चल रही है, रात में बाइक चलाने का अलग ही मज़ा आता है सीरियसली। सो बदरपुर का जो टोल टैक्स था वो अपन ने क्रॉस कर लिया है, और अभी अपन है ऑन द वे टू दिल्ली,
और अब मैं बस 10 या 5 मिनट 10-15 मिनट बाद ही अपने कज़िन को फ़ोन करूँगा, शायद वो आ जाए, बट मुझे लगता नहीं वो आएगा, मुझे ही वहाँ जाना पड़ेगा। और ये आ चुका है भाई बदरपुर का मेट्रो स्टेशन। तो ये है भाई हितेन बजाज, मेरा छोटा भाई, मेरा कज़न, ये इसका फ्रेंड, और ये अपना बजाज डार्लिंग। आते वक्त पक्का रुकूंगा तेरे पास, ठीक है। अभी अपन चढ़ चुके हैं करनाल हाईवे पे, दिल्ली को कर रहे हैं बाय बाय। और हम एक्चुअली साहिल के यहाँ से, अपने आई मीन कज़न के यहाँ से मैं चला गया था ज़रा 24/7। और वहाँ एक अपन ने ली भाई पानी की बोतल, साथ में लिया रेडबुल, क्योंकि एनर्जी जो थी वो बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी थी गर्मी की वजह से। ये तो अच्छा हुआ हम रात में निकल के आए, सुबह होती तो क्या हाल होता कुछ नहीं पता। सो भाई 3 तारीख को चले थे, 4 तारीख हो गई बट अभी तक डेस्टिनेशन नहीं आई। सुबह के 5:30 बज चुके हैं भाई, और अभी भी अपनी डेस्टिनेशन से हम ज़्यादा नहीं तो करीबन 250 किलोमीटर दूर हैं, बट कोई नहीं, बहुत अच्छा ट्रिप जा रहा है, सो गुड सो फार। जितना सेफली पहुंच जाएं वो ज़्यादा बेटर है यार, ठीक है 1-2 घंटे लेट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट स्टिल ये धर्मेंद्र भी अपने आगे चल रहे हैं। अब ये थोड़ा बहुत आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि अपनी बाइक भी कुछ ऐसा ही लोग दे रही होगी पीछे से। एनीवेज भाई लोगों, अभी आने वाला है पानीपत, यहाँ से है 15 किलोमीटर दूर, अपन ने मुरथल क्रॉस कर चुके हैं, वहाँ एक ब्रेक लिया था बहुत छोटा सा, और यहाँ गड्ढे आते हुए, ओ ये ओहो ओहो। तो अभी हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है ZRS सागर ढाबा, जब मैं सच पास गया था तो यहीं पर रुका था, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ऊपर आई बटन पर लिंक आ रहा होगा। तो पहले भी यहीं रुका था, अभी भी बाइक किस्मत इधर ही रुकना पड़ गया, क्योंकि सुबह सुबह की एक चाय ज़रूरी है। टाइम हो चुका है भाई 5:30, और इस टाइम पर तो चाय एक ज़रूरी बनती है, क्योंकि आलस आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो चलो पहले कुछ चाय वाय पीते हैं, और मेरे को मेरा सेना इंटरकॉम जो है वो भी चार्ज करना है, उसकी बैटरी लो हो गई है भाई। सच बताऊँ ना तो जो चाय पिलाई है भैया ने, आंखें खोल दी, सच बता रहा हूँ, इतनी प्यारी चाय, इतनी शानदार चाय भाई। चलते चलते क्रॉस कर लिए हमने करीबन 300 किलोमीटर, 300 से ज़्यादा ही हो गए, 350 के आसपास। और अभी जो रूपनगर है वो है भाई 130 किलोमीटर के अराउंड, तो मोस्ट प्रोबेबली अपने को 2.5 घंटा तो आराम से लग जाएगा। और अभी पेट्रोल भी दोबारा रिफ़िल करवाना है, एक अपन जब चले थे वहीं से रिफ़िल करवाया था, और अभी दोबारा से टैंक फुल करवाना पड़ेगा, क्योंकि बाइक ऑलरेडी रिजर्व में लग चुकी है, इवन 28 किलोमीटर रिजर्व में चल चुकी है। तो जैसे कोई पेट्रोल पंप आता है तो पेट्रोल डलवाते हैं पहले, देन उसके बाद सीधा पहुंचेंगे आज अपन अपने रूपनगर की डेस्टिनेशन पे, मतलब वहाँ कहीं आसपास होटल देख के होटल लेंगे। सो मैंने करवा लिया है रिफ्यूल, और मेरी बाइक में है 1060 रुपये का 11 लीटर, तो 11 लीटर में अपनी बाइक जो चली है वो चली है भाई 320 किलोमीटर, और देखते हैं धर्मेंद्र भैया की बाइक में कितना पेट्रोल आता है। सो वेलकम टू अम्बाला कैंट, और यहाँ से हमें लेना है स्लाइड लेफ्ट, बिकॉज ऑफ हमें आगे टर्न हो जाना है। नगर रूपनगर है अभी यहाँ से 70 किलोमीटर। सो अभी मैं लिया था एक छोटा सा टी ब्रेक हवेली पर, यहाँ से रूपनगर बचा है भाई 27 किलोमीटर, मतलब आधे घंटे में अपन पहुँच जाएंगे। टाइम हो चुका है भाई 9:15, तो मतलब 9:15 बजे तक पहुँच जाएंगे, अब रुकेंगे नहीं। ये भाई हमारे वीडियोस बनाते हुए, अच्छा लगता है यार, काफ़ी लोग अपनी वीडियोस वगैरह बनाते हैं या फिर फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाते हैं, थैंक यू सो मच मेरे भाई। अगर गलती से मेरा यूट्यूब का नाम अगर आ गया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, तो काफ़ी अच्छा लगता है यार, अपने मतलब भाई लोग वगैरह मिलते रहते हैं, प्यार मिलता रहता है, और ऊपर से भाई अपने राजस्थान से। सो फाइनली अभी पहुँच चुके हैं अपन भाई, रूपनगर क्रॉस कर दिया, रूपनगर एक्चुअली सिटी से अंदर जाके, और अपन एक्चुअली रुके हुए मनाली हाईवे पर, बाइक नीचे खड़ी है, ज़्यादा सामान निकाला नहीं, टैंक बैग निकाला है, लैपटॉप निकाला है और छोटा मोटा आइटम निकाला है, क्योंकि 2-4 घंटे की नींद पूरी करनी है फिर निकालना है मनाली के लिए। एनीवेज भाई लोगों, आज का ब्लॉग शायद आपको पसंद आया होगा, बट अपन बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं, और अभी आ रही है बहुत गंदे वाली नींद,
तो धर्मेंद्र भैया गए वॉशरूम और मैं सोच रहा हूँ नहा के सोऊँ, बट धर्मेंद्र भैया को टाइम लगेगा और मुझे आ रही है बहुत ज़्यादा नींद। उठने के बाद नहाना भी है, डाटा भी कॉपी करना है, व्लॉग भी एडिट करना है, देन उसके बाद अपलोड भी करना है आप लोगों के लिए। शायद मैं निकला था घर से 11 बजे कह रहा हूँ और अभी हो रहे हैं भाई 9:30। तो पूरी रात बाइक चलाई और इतना ज़्यादा टायर्ड हुए हैं कि पूछो मत। और अब बस इंतज़ार है इस खूबसूरत बेड पे नींद लेने का। ज़्यादा देर नहीं लगूँगा, नींद बहुत गंदी आ रही है, तो मैं जाता हूँ सोने के लिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।